नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजपाल सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल द इमेजिंग में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने फोटोशॉप में बनाना टूल शो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैं यहां यूज़ कर रहा हूं फोटोशॉप सीसी 2020। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे टूल बार में जो बनाना टूल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, इस तरीके का बनाना टूल जो है आप अपने जो है फोटोशॉप में जो है वो आप शो करवा सकते हैं दोस्तों, जो आप सीसी 2020 जो यूज़ में ले रहे हैं उसके अंदर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ बिना समय को गंवाते हुए कि किस तरीके से आप अपना ऐसा बनाना टूल शो करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप टूल बार में चले जाएंगे। टूल बार में यहाँ एक एडिट ऑप्शन का जो है जो लिंक जो है एडिट टूल बार का आता है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में, तो मैं एक बार इसको डन कर देता हूँ। दोस्तों ये देखिए, यहाँ से बनाना टूल जो है वो यहाँ से गायब हो गया है। तो दोस्तों, ये वापस कैसे आएगा इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ से आप इसको क्लिक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ से क्लिक करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी एक जो है वो ट्रिक है दोस्तों इसको करने की, बहुत ही छोटी ट्रिक है। आप कहेंगे कि इतनी छोटी सी चीज़ थी और हमें पता भी नहीं था कि फोटोशॉप में ये सब कुछ भी हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गंवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से उसे करना है दोस्तों। तो हम कीबोर्ड का शिफ्ट जो टूल शिफ्ट जो बटन है दोस्तों कीबोर्ड का, उसको दबाते हुए दोस्तों हमें डन पे जो है वो क्लिक कर देना दोस्तों। ये डन बटन इसके अंदर है दोस्तों, यहाँ पे हमें जो है वो क्लिक कर देना है इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, आपका जो बनाना टूल है वो यहाँ शो हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बनाना टूल जो है वो शो कर सकते हैं अपने टूल बार के अंदर, टूल बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा बनाना टूल शो करने का अपने टूल बॉक्स में, ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों, साथ ही साथ लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, घंटी बजानी बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोज़ कि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिले और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकें और सीख सकें फोटोशॉप के बारे में नई नई चीज़ें। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।